ओम शांति। आज की तारीख है 7/2/23 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक, मीठे बच्चे इस समय तुम्हें निराकारी मत मिल रही है। क्योंकि हम किसकी मत पर अभी चल रहे हैं? निराकार ज्योतिर्बिंदु एक शिव पिता परमात्मा की मत पर। गीता शास्त्र निराकारी मत का शास्त्र है, क्योंकि गीता में भगवानु वाच ही महावाक्य सारे बताए गए हैं। तो भगवानु वाच तो भगवान तो है ही एक निराकार शिव पिता, साकारी मत का नहीं, ये बात सिद्ध करो। प्रश्न है, कौन सी गुह्य बात? बड़ी युक्ति से फर्स्ट क्लास बच्चे ही समझा सकते हैं। उत्तर, ये ब्रह्मा ही श्री कृष्ण बनते हैं। ब्रह्मा को प्रजा पिता कहेंगे, श्री कृष्ण को नहीं। निराकार भगवान ने ब्रह्मा मुख से ब्राह्मण रचे हैं, इसीलिए वो सभी का प्रजा का पिता है। श्री कृष्ण कोई प्रजा रचता नहीं है, और फिर वो तो छोटा बच्चा है, तो श्री कृष्ण तो छोटा बच्चा है। गीता का भगवान निराकार परमात्मा है। श्री कृष्ण की आत्मा ने पुरुषार्थ करके ये प्रारब्ध पाई, ये बहुत गुह्य बात है, जो फर्स्ट क्लास बच्चे ही युक्ति से समझा सकते हैं। 20 नाखूनों का जोर देकर ये बात सिद्ध करो, तब सर्विस की सफलता होगी। गीत बजा है, कौन आया मेरे मन के द्वारे। धारणा के लिए मुख्य 2 धारणा बिंदु। नंबर 1, बाप का प्रिय बनने के लिए बुद्धि में ज्ञान की धारणा कर, ज्ञानी तू आत्मा बनना है। बाप से योग लगाना है और ध्यान की आशा नहीं रखनी है। नंबर 2, माताओं को आगे रख, उनका नाम बढ़ाना है। अथॉरिटी से गीता के भगवान को सिद्ध करना है, नाखून के जोर से सर्विस को बढ़ाना है। श्रेष्ठ जीवन की स्मृति द्वारा विशाल स्टेज पर विशेष पार्ट बजाने वाले हीरो पार्टधारी भव। मीठे मीठे शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के द्वारा कहते हैं कि ब्रह्मा बाप ने आप बच्चों को दिव्य जन्म देते ही पवित्र भव योगी भव का वरदान दिया। जन्मते ही बड़ी माँ के रूप में पवित्रता से प्यार की पालना की, सदा खुशियों के झूले में झुलाया, सर्व गुण मूरत ज्ञान मूरत सुख शांति स्वरूप बनने को बनने की हर रोज लोरी देते रहे। ऐसे मात पिता के श्रेष्ठ बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। इस जीवन के महत्व को स्मृति में रखकर विश्व की विशाल स्टेज पर विशेष पार्ट हीरो पार्ट बजाओ। स्लोगन है, बिंदु शब्द के महत्व को जान, बिंदु बन बाप को याद करना ही योगी बनना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार
गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।